फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पॉकेट पोटैटो पेटीज़, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है ये बॉईल किए हुए आलू। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। अब इस पर हम रखेंगे कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी। घी गरम हो चुका है। अब इसमें एक बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे हम। हरी मटर डालेंगे दो चम्मच। बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे हम दो। बारीक कटी हुई तीन हरी मिर्च डालेंगे। हरी धनिया की पत्ती डालेंगे थोड़ी सी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे दो मिनट के लिए ढककर रख देंगे। दो मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। आलू डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। दो चम्मच इसमें हम डालेंगे दम आलू मसाला। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आलू हमारी भून चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक कटोरी आटा लेंगे। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मगरैल। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार करेंगे। डो हमारा बन चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद इसको हम बेलेंगे। हल्का सा घी लगा लेंगे। इसे हम इतना पतला सा बेलेंगे। अब इसको हम चाकू से साइड से कट कर लेंगे। जो स्टफिंग बनाई थी अब इसे इसमें हम भरेंगे। भरने के बाद साइड में हम ये आटे का घोल है इसको हम लगाएंगे, जैसे कि अच्छे से चिपक जाए। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। बनाने के बाद थोड़ा सा हम इस पर डिजाइन बना देंगे। इसी तरह हम सारी पेटीज़ को बना लेंगे। पेटीज देखिए बन चुकी है। अब गैस को हम ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड घी। काफ़ी गर्म हो चुका है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। अब इसे हम एक एक कर फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। पॉकेट पोटैटो पेटीज़ देखिए सारी हमारी बन चुकी है। अब आप लोग भी ट्राई करिए, बताइए कैसे बनी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।